शिमला जिला के तहत बदाल नामक स्थान में बादल फटने से नेशनल हाईवे 5 ठप हो गया है, जिससे कि नॉर्मल स्पीति के लिए वाहनों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई है। बादल फटने के बाद आई बार ने एक होटल समेत कई वाहनों को नुकसान पहुंचाया है। बदाल खड्ड में पानी बढ़ने से मुख्य मार्ग पर पैदल आवाजाही भी बंद है। आज सुबह करीब 3:40 पर बादल फटने की घटना सामने आई है। राजधानी शिमला में एक बार फिर से तेंदुओं का आतंक है। आए दिन शहर में कहीं ना कहीं तेंदुओं को देखे जाने की सूचना मिलती है। बीती रात तेंदुओं को कन्नौर क्षेत्र में देखा गया है, उसके बाद लोगों में दहशत फैल गई है। पटियाला से आए कोऑपरेटिव सोसाइटी के सदस्यों का एक ग्रुप कंडागढ़ के ज्यूरिक होटल में ठहरा था, लेकिन उसी होटल की बालकनी से गिरने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। इस घटना का खुलासा तब हुआ जब ड्यूटी पर जाते समय होटल मैनेजर की नजर नीचे गिरे व्यक्ति पर पड़ी, तो जो हिलडुल नहीं रहा था उसने तुरंत इसकी सूचना पटियाला से आए अन्य लोगों को दी। उसे तुरंत अस्पताल लाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि पटियाला से कोऑपरेटिव सोसाइटी के 44 सदस्यों का एक ग्रुप कंडागाट में एक होटल में ठहरा था। रात को वे अपने कमरे में चले गए थे, लेकिन सुबह मैनेजर ने उन्हें सूचना दी कि उनका एक साथी बाहर गिरा पड़ा है, जिसे अस्पताल लाया गया और उसे मृत घोषित कर दिया गया। उन्होंने बताया कि पुलिस की जांच में पाया गया कि जिस कमरे में वह ठहरा हुआ था, उस कमरे की बालकनी में कोई भी ग्रिल नहीं लगी हुई थी, जिसके कारण वह व्यक्ति वहां से नीचे गिर गया। शिव कुमार ने बताया कि इस मामले में होटल मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। सोलन में सीवरेज लाइन पर करीबन 100 करोड़ की राशि खर्च की जा चुकी है, लेकिन इसका फायदा सोलन में करीबन 800 परिवार ही कर पा रहे हैं। ये योजना पूरी तरह से असफल हो चुकी है। नगर परिषद और आईपीएच विभाग के अधिकारी इस योजना का सफल बनाने के लिए किसी भी तरह के प्रयास करते हुए नजर नहीं आ रहे। ज्यादातर लोग इस योजना के तहत कनेक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन कागजी कार्यवाही इतनी है कि लोग कनेक्शन के लिए अप्लाई करने से भी डरते हैं। गौरतलब है कि एक कनेक्शन लेने के लिए नगर परिषद, आईपीएच और लोक निर्माण विभाग के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से लोग कनेक्शन लेने से भी कतराते हैं। यही कारण है कि सीवरेज की पाइपें सीधे नालियों में छोड़ी गई हैं और शहर की खुली नालियों में ये गंदगी तैरती रहती है। नालियों से फैलती दुर्गंध शहरवासियों के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बनी हुई है। हैरानी वाली बात तो ये है कि जहां लोग कनेक्शन लेने के इच्छुक हैं, वहां भी विभाग कनेक्शन देने के लिए आनाकानी कर रहा है। ऐसा ही मामला हॉस्पिटल रोड का है, जहां स्थानीय लोगों ने सीवरेज कनेक्शन लेने के लिए कई महीनों से पैसे भी जमा करवाए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कनेक्शन नहीं दिया गया है। कनेक्शन ना होने की वजह से सीवरेज सीधा नालियों में आ रहा है और दुकानों के आगे से जाता है, तो लोगों का व्यवसाय करना भी मुश्किल हो चला है। कई दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर यहाँ से पलायन कर चुके हैं, लेकिन विभाग है कि कुंभकर्णी नींद से नहीं जाग रहा है, जिसका खामियाजा शहरवासियों को भुगतना पड़ रहा है। चले गए और यहाँ वो जैसे हमने ये फोटो खींच के उसमें डाली और इन्होंने 14 तारीख को ये बंद कर दिया खड्डा, फिर रात को भर गई क्योंकि 15 को बिंदल जी ने उन्होंने चेक करना था यहाँ से, तो ये ऐसे किया और अभी तक यहाँ सीवरेज का काम अभी तक नहीं हुआ। पैसे भी भरे हुए इन्होंने वहाँ 2 साल से भी ज़्यादा हो गया। हमको आई पी एस में वो दिए हुए फार्म सबने दिए हुए यहाँ। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल द्वारा राजेंद्र राणा पर मीडिया में झूठी बयानबाजी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा टाउन हॉल का कार्य पूरा किया जाएगा, जिसके लिए सरकार कागजी कार्यवाही पूरी करके ही इस प्रक्रिया को पूरा करेगी। वहीं उन्होंने राणा पर निशाना साधते हुए बताया कि राणा द्वारा बिना बजट के ही शिलान्यास पट्टिका पार्क में लगा दी थी, जिसके लिए विभिन्न विभागों की अनुमति लेना उचित था, लेकिन कांग्रेसी नेताओं ने विभागीय अनुमति लेना उचित नहीं समझा, जिसके कारण समस्या पेश आ रही है। वहीं सरकार द्वारा प्रयासों के कारण टाउन हॉल का कार्य पशुपालन विभाग में बनाया जा रहा है, जिसके लिए विभाग पशुपालन विभाग ने अपनी भूमि का तबादला भी कर दिया है।
बस स्टैंड पर बने खोखे के ऊपर भी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए धूमल ने कहा कि गरीबों का खोखा धारकों को बिना वजह तबादला किए बिना ही खोखे बनाने का शिलान्यास कर दिया है, जिसके लिए आज दिन तक खोखा धारकों को पक्के खोखे नहीं मिल पाए हैं, जिसके लिए प्रदेश सरकार ने सत्ता संभालते ही खोखा के लिए भूमि के तबादले के लिए प्रयास कर रही है। भूमि तबादला होते ही खोखा धारकों को ही शीघ्र नए खोखे ही मिलेंगे, जिसके लिए सरकार द्वारा खोखों का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र में अधिकारी सही तरीके से अपना कार्य कर रहे हैं और लोगों की जन समस्याओं को कार्यालयों में सुना जा रहा है, जिसके चलते लोग कार्यालय के कार्यों से खुश नजर आ रहे हैं। वहीं उन्होंने नगर परिषद में चल रहे रिक्त पद के बारे में बताया कि कार्यकारी अधिकारियों का पद शीघ्र ही भरा जाएगा, जिसके चलते प्रशासन ने तहसीलदार अशोक पठानिया को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा हुआ है। वहीं उन्होंने बताया कि सुजानपुर स्कूल में पानी की लीकेज के बारे में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि इस समस्या को शीघ्र से ठीक किया जाए, ताकि बरसात के दिनों में बच्चों को पानी की कमी ना पड़े। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने लोगों की जन समस्याओं को भी सुना और मौके पर हल भी कर दिया। इस अवसर पर भाजपा मंडल के रंजीत ठाकुर, शहरी इकाई के प्रधान सुमन गुप्ता, नगर परिषद अध्यक्ष अशोक मेहरा सहित अन्य के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।